अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता। बुलेटिन रे रहिछ अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर, ता उपरे नजर पकाइबा हेले प्रथमे हेडलाइंस। राज्य रे कोरोना कह 24 घंटा रे 27 मुंड नेला महामारी। 12523 पॉजिटिव चिन्हट, खोर्धारु सर्वाधिक 1842 आक्रांत। आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कोरोना स्थिति समीक्षा, स्वास्थ्यकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे करेंगे आलोचना। विशेषकर वाराणसी स्थिति उपरे रहिबो प्रधानमंत्री नजर, स्वास्थ्यकर्मी मनोबल बढ़ावा लक्ष्य। पश्चिमबंग ओडिशा महाबात्या आईएमडी पूर्वानुमान, 26 तारीख सकाळे पहुंचिब यश। 25 प्रबल वर्षा सह पवन आशंका, संभाव्य बात्यार मुकाबला पाई प्रस्तुत रहिबाकु एसआरसी को निर्देश। असह्य होउछि ताति, सकाळ 6 प्रबल गरम और गुळगुळी रे छटपट होउछन्ति राज्यवासी। 2-3 डिग्री बढ़ुछि दिनर तापमात्रा। अर्गस महाप्रभाव, मलकानगि रोगी सेवा लांच ने घटना। खबर प्रसारण पर कार्यानुषान, जिला स्वास्थ्य विभाग आक्शन। 2 कर्मचारी निलंबित, डाक्तर को कारण दर्शाओ नोटिस। एवं रोगी असली डाक्तर नकली, दारिंगबाड़ी में बेआईन क्लीनिंग को सील कला प्रशासन। लोकों देखते थंडा ज्वर काशर मेडिसिन, दीर्घदिन धरी पंचायत घरे चलता कारबार। बुलेटिन आरंभ करिबा कोरोना संपर्कित खबरु। राज्य में क्रमगत भाव संक्रमण सह ताल मृत्यु संख्या मध्य बढ़िबारे लागिछि। तेबे कोरोना राज्य में आउ 27 जनक जीवन नेइछि। या सहित राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 2430 को वृद्धि पाई। कोरापुट और खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 4 जन लेखाएं आक्रांत मृत्यु घटी। या पक्षक नुआपड़ा, रायगड़ा और सुंदरगढ़ 3 जन लेखाएं लोक जीवन हर से। राज्य में दैनिक संक्रमण 12000 देखिए। गत 24 घंटा 12523 जन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आसी। नू आक्रांतों 7012 जन क्वारंटीन में रही बेले 5511 जन लोकल केस रही। एतेस राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 668422 पहुंची। आज चिन्हट आक्रांतों सर्वाधिक खोर्धा जिलूर 1842 जन रही। सुंदरगढ़ 715, कटकु 1084, जाजपुरु 419, पुरी 568, गंजामु 369, नुआपड़ 129, बलांगीरु 296, बालेश्वर 510, अनुगुल 930, बरगड़ 315, कलाहांडी 491, झारसुगुड़ 373, नवरंगपुर 383 और संबलपुर जिलूर 400 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि ए बाबद्रे आलोचना पाई आम सहित जोड़ी। दिव्य जदि कहवा क्रमगत भाव राज्य में संक्रमित हार सामान रही, जदिओ यहाँ किभले मुकाबला करा जिवो, व्यापक बंदोबस्त करा जाउछि, व्यापक प्रस्तुति करा जाउछि, किंतु कोटा कोटि यारी मध्यरे समान भावे मृत्यु संख्या मध्य बढ़ुछि। निश्चित भावरे निवेता राज्य रे स्थिति दिनक दिन उद्वेगजनक होउछि। आज जो परिसंख्यान आसी ताहादर पूरा स्पष्ट जना पड़छि। देखिए गत 24 घंटा भितर सर्वकालीन संक्रमण और सर्वकालीन मृत्यु हार को रेकर्ड कर मृत्यु संख्या मध्य सर्वाधिक रही। संक्रमण संख्या मध्य वर्तमान सुधा जी संक्रमण रही ढेर अधिक रही। आप देखिए आज जो भाव में संक्रमित संख्या आसी 24 घंटा भितर 12523 संक्रमित चिन्हट होती। या पूर्व जब आप आकलन देखिए 7 तारीख दिन 12238 संक्रमित चिन्हट होते, परवर्त समय 14 तारीख दिन 12390 संक्रमित चिन्हट होते, अर्थात आज सर्वाधिक संक्रमित चिन्हट होती। सेभली आप देखिए खोर्धा एवं कटक सुंदरगढ़ पर अनुगुल जिला बर्तमान चिंता बढ़ुत। अनुगुल सर्वाधिक संक्रमित चिन्हट होती, किसी दिन हम अनुगुल लगातार परिसंख्यान बढ़ुत। अनुगुल आज देखिए 930 परिसंख्यान, तो क्यों ना कहते अनुगुल चिंता कर। अंपटे राज्य आक्टिव केस लगातार वृद्धि पाँच, अन्य राज्य तुलन में आम राज्य आक्टिव केस बढ़िबार कारण सबुठ बड़ कथा कहते जितेबाला लोक मैंने होम आइसोलेसन रोचान्ते परवर्त समय किसी दिन पर अधिक क्रिटिकल होती मेडिकल भर्ती कराई धीरे धीरे आक्टिव केस बढ़ुत। आप देखो बर्तमान सुधा
लक्षे 9438 एक्टिव केस राज्य अच्छी आउ गोटे भल खबर जे राज्य दिनक दिन जो टेस्टिंग परिसंख्यान बढ़ुची गत काली अपेक्षा आज मध्य बेस किछटा बढ़ी टेस्टिंग परिसंख्यान आज देखिए 61665 टेस्टिंग करा जायछि। आउ गोटे कथा आपण एठी लक्ष्य करंतु एप्रिल मास रे जेतेबेले माने संक्रमित संख्या एवं मृत्यु संख्या हिसाब करले से समय संक्रमित संख्या 113591 थिला मृत्यु संख्या 118 थिला या होची एप्रिल मास रो तथ्य किंतु मे मास आपण देखिबे मे मास रे 21 दिन भितरे 224228 संक्रमित चिन्हट होइ चलेनी 327 जनक मुंड नै चलेनी महामारी जहां दिनो दिन गोटे उद्वेगजनक स्थिति आड़ राज्य को नहीं जाऊँच किंतु अनेक कटका राज्य सरकार कहते तार सत्य भी कौन ना कौन पॉजिटिव हार मध्य बढ़ुची सेपटे संक्रमण संख्या बढ़ुची मृत्यु संख्या बढ़ुची जब देखिए आज राज्य में मध्य दिव्य जेंती आपण कहते जे राज्य सरकार अनेक कटका आणुचंती जे किभली ए कोरोना चेन को ब्रेक करा जिवो सेने प्रस्तुति करुचंती यारी पदरे लॉकडाउन शटडाउन मध्य राज्य रे जारी रहिछि दिव्य तेबे दिव्य असुविधा केउठी रहुछि एवं काहे के बारंबार संक्रमित संख्या बढ़ुची जदि देखा विगत किछि दिन धरी 10,000 भितरे ट्रेंड रहुथला आज जो तथ्य सामना को आसुछि 12,000 ऊर्ध ये पुणी थरे चिंता बढ़ाई जे प्रकृत में विशेषज्ञ माने डाक्टर माने कौन परामर्श देउछन्ति असुविधा कोठे रहुछि काहे के संक्रमित हार बढ़ुची राज्य रे देखो निश्चित भाव में गत काली आप जानते हैं केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय जो रिपोर्ट आसला बेस उद्वेगजनक था जो दर्शाला 50% भारतीय बर्तमान सुधा मास्क पिंधुना देखिए से पाखापाखि 40-50% लोक जो मैंने सठिक ढंग से मास्क पिंधुना यह किसी रिपोर्ट केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष गत काली जारी करूँ आप अनुमान करेंगे जो लोक मैंने सचेतन अच्छे प्रकृत लोक मैंने सचेतन हो न दिनक दिन संक्रमण बढ़ुचे बर्तमान विश्व जो मैंने आकलन करेखु ग्रामांचल जो भाई स्थित दिनक दिन ओडिशा है ग्रामांचल संक्रमण हार देखिए 50-60% रोचे ग्रामांचल केवल तो ग्रामांचल लोक जिते बड़े सचेतन हे जो सब लोक कोरोना गाइडल मानवे से आम जा हर पार्बा किंतु अनेक लोक एवं गाइडल उल्लंघन करते मास्क सठिक ढंग से पिंधुना जो सबू कथा सरकार कहते हैं अनुपालन करना जो परिसंख्यान बढ़ुची बोली बर्तमान विषय कहते जो कहुच्च आहरी अधिक सचेतनता कार्यक्रम आवश्यक रही लोक मैंने भी निज आड़ निजक सुरक्षित रखा सचेतन हो जा आवश्यक रही देढ़ वर्ष यार भितर कोरोना को बीतला कि लोक मित्र यारे कोरोना को देढ़ वर्ष बीतला किंतु लोकों मध्य कौटि ना कौटि एवं भी सचेतनता अभाव रोचे जो पुणी थे कोरोना सांघातिक रूप ने राज्य स्थित बर्तमान सांघातिक आड़ को जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि सदाश बाबद आम सहित जोड़ी सामान भाव तपन दास अनुकूल आम प्रतिनिधि जोड़ी सहित आलोचना करवा तपन जदि देखा जे आप दिव्य आम प्रतिनिधि आम सहित आलोचना करते लोके बर्तमान सचेतन सठिक ढंग से मास्क परिधान करूना सामाजिक दूरता रोनी आज जमी शुक्रवार रही मार्केट कथा कह मांस मार्केट कथा कह गहली देखा मिली लोकों मध्य जेपर्यंत सचेतनता आसनी ए चेन को ब्रेक करवा संभव नुहे का पक्षे तेज यार मध्य अनुकूल जो चित्र सामना को आसूरी तपन आज 930 ये चित्र जितेबाला सामना को आसूरी भाव अनुकूल प्रशासन मुंडार कारण साज निश्चित भाव देखते बर्तमान जो अनुगुण जो सुगर बर्तमान आज आसी पाखापाखि 900 जो संक्रमित तथ्य तालिका प्रशासन व राज्य सरकार प्रति दि जाएगी जहाँपक्ष चिंताजनक निश्चित भाव तो ये जो आलोचना आम करते जे बर्तमान संक्रमित संख्या कहीं वृद्धि होती जो भाई स्थल में व्यापक कर लॉकडाउन को मास्क एवं अन्यान्य जो आनुषंगिक व्यवस्था त्वरावित करवा कथा कहुता बेले स्थल जिले में कहीं जो संक्रमित संख्या बढ़ुची जदि आम देखा अनुगुल जिलार छेंडीपदा और बड़पार ब्लक ये दुईट ब्लक में बर्तमान संक्रमित संख्या मात्राधिक भाव वृद्धि पाँच जहां आकलन करा अनुधान करो ब्लक रही बृहत शिल्प कारखाना जो कर्मचारी मैंने रही मैंने जो मैंने जावास कर सेठारे ही विशेष भाव यह संक्रमण वृद्धि पाई जहां आकलन करेणु यही दुईट ब्लक विशेष भाव छेंडीपदा और बड़पाल जो मुझे एथेर बर्तमान संक्रमित संख्या क्रमान्वय वृद्धि पाँच जदि मृतकों जदि जो तथ्य आम देखा अनुगुल जिले में जहां सरकारी तथ्य हिसाब से पाखापाखि 60-70 जन अद्यावधि मृत्युबरण कर सारे जहां आउ एक चिंताजनक प्रसंग
किंतु जो भली भावे जो अनुपालन करवा कथा जो गाइडलाइन बा निर्देशनामा को अनुपालन करा कथा तथा कुछ ना कुछ विचित होता पर विशेष भाव जो लोक मैंने रही अनेकांश आम भी देखु अनेक लोक सामाजिक दूरता अवलंबन करूना मास्क पिंधुना जो आनुषंगिक प्रक्रिया को करवा कथा से अर्थात तपन कौटि कौटि लोक आहरी सचेतन होगा दरकार प्रशासन यार मुख्य पुरोधा साजा दरकार जे कि भाव विशेषकर ग्रामांचल लोके सचेतन रे कोरोनार भयावहता को कम से कम बुझे ताल हुए तो ये स्थिति कंट्रोल को आसब ना जिते लॉकडाउन शटडाउन कले यार कौन से प्रभाव पड़ब ना बहुत बहुत धन्यवाद तपन दास आम अनुकूल प्रतिनिधि सदाशक आम सहित बाबद आलोचना करते माओ ऑपरेशन को बड़ सफलता महाराष्ट्र में कोब्रा कमांडो माओवादी मध्य गुड़ विनिमय जारी रही गड़चिरोली इटापाली और कोटमी जंगल भितर गुड़ विनिमय होता सूचना रही तेज गुड़ विनिमय में 13 जन नक्सल मृत होता जमापड़ मृतकों मध्य अनेक महिला माओवादी सूचना रही व्यापक परिमाण में माओ सामग्री जबत कर गुंदा सूत्र खबर पाई कोब्रा बाहर 60 नंबर यूनिट इटापाली और कोटमी जंगल में सर्च ऑपरेशन आरंभ करते तेज माओ क्यांप पाखक पहुंचा बेलू माओवादी जवान उपरको अतर्कित गुड़चा करते जवाब में जवान गुड़चा करते 13 जन नक्सल मृत्यु बर्तमान समय बड़ खबर आँचुची माओ ऑपरेशन को बड़ सफलता मिली महाराष्ट्र में कोब्रा कमांडो माओवादी मध्य गुड़ विनिमय जारी रही तेज गड़चिरोली इटापाली और कोटमी जंगल भितर गुड़ विनिमय होता सूचना रही मलकानगिरी प्रतिनिधि विक्रम स्वाई बाबद आलोचना पर आम सहित जोड़ तेज विक्रम जहां सूचना आसुच्छे जे माओ ऑपरेशन रे गोटे बड़ सफलता मिली आम जवान मानक तमाम अपडेट कौन जानवाक चाहबु देखो निश्चित रूप कहवा यह गोटे बहुत बड़ सफलता कहीं ना जो भाव में चली माओ दमन ऑपरेशन छत्तीसगढ़ कथा कह महाराष्ट्र कथा कह ऑपरेशन प्रहार नाम छत्तीसगढ़ चलती महाराष्ट्र में कोब्रा बाहिनी को गोटे पर गोटे बड़ सफलता मिलवा लगी गत काली कथा कह जिते गुंदा सूत्र खबर पाई इटापाली आउ कोटमी जंगल मध्य कुंभिंग ऑपरेशन आरंभ करते कोब्रा बाहिनी महाराष्ट्र जो कोब्रा अच्छा 60 नंबर यूनिट सर्च ऑपरेशन आरंभ करते कोटमी जंगल पाखापाखि जो माओ क्यांप पाखे जवान मैंने पहुंची जाते से ही समय माओवादी मैंने अतर्कित जवान गुड़चा आरंभ करते जवाई कार्रवाई जवान माओवादी को गुड़चा करते पाखापाखि 5 रु 6 घंटा गुड़ विनिमय पर माओवादी मैंने छत्रभंग देते सर्च ऑपरेशन आरंभ कराइले से जगह तो से पाखापाखि प्रथम 8 जन मृत भावित खबर मिलता 13 जन बर्तमान जहाँ अपडेट मिलू 16 जन माओवादी मृत होता सूचना मिलू सहित कहवा जी देखो आधिक माओवादी से मृत होता जहाँ खबर मिली जहाँकि गड़चिरोली एसपी अंकित गोयल स्पष्ट कर गुड़ विनिमय हो अधिक रु अधिक माओवादी से मृत होता सूचना मिली बर्तमान सुधा अनेक परिमाण विपुल परिमाण माओ सामग्री जबत हो जगह निहांती भाव में विक्रम जे बर्तमान जहाँ खबर आप दौले मृत्यु संख्या बढ़ी 16 जन नक्सल मृत्यु जहाँ खबर आसुच्ची यार जदि कह उत्तर प्रदेश क्षमा करेंगे जे माओ ऑपरेशन रे किभली भाव जवान को बड़ सफलता मिली एक कहुपे तो विक्रम पूरा ऑपरेशन प्रक्रिया किभली रही था जे केमती से मध्य गुड़ चाला चली केतेजण जवान सेठे उपस्थित अच्छा बर्तमान सुधा सर्च ऑपरेशन जारी रही सर बर्तमान सुधा सर्च ऑपरेशन जारी रही कहीं गोटे बड़ दल से जगार जो कोटामी जंगल रे माओवादी गोटे बहुत बड़ दल थी सहित जो कह छत्तीसगढ़ गड़चिरोली छत्तीसगढ़ सीमा महाराष्ट्र सीमा तो हूँ गड़चिरोली जिला तो से जिले से छत्तीसगढ़ माओवादी महाराष्ट्र माओवादी मध्य चलपचल से जगार था सहित से जगार माओ क्यांप गुड़िया से जंगल बहुत गुड़िया रही तो विशेष सूत्र खबर पाई जवान गुंदा सूत्र खबर पाई से जगह को अतर्कित भाव में कुंभिंग ऑपरेशन आरंभ करते आरंभ कला कलापर जो गुड़ विनिमय से जगह को जहाँ
ଗର୍ଚିରୋଲି ଯୋଉ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍କିତ ଗୋୟଲ ଯେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ପରିମାଣ ଯବାନ ସେ ଯାକ ପଠାହଉଛି ଯୋଉ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତା ସହିତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଅଧିକ ପରିମାଣ ସର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ଗୁଳିଗୋଳା ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁକ ଏସବୁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଯାହା ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମାଓ ଅପରେସନକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଅପରେସନ ପ୍ରହାରକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଅପରେସନରେ ପାଖାପାଖି 16 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ କୋବ୍ରା ବାହିନୀରେ 97 ୟୁନିଟ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କୋବ୍ରା କମାଣ୍ଡୋ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି ଗଡ଼ଚିରୋଲିର ଇଟାପାଲି ଓ କୋଟମି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିଛି ଆଜି ଦେଶରେ 2,69,591 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ 4,209 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା ଦେଶରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,60,31,991ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେହିପରି 2,37,12,735 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଯାବତ୍ ମୋଟ 2,91,331 ଜଣ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଦେଶ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣ ସହ ଲଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ଓ ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବିଶେଷ କରି ବାରଣାସୀର ଡାକ୍ତର ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବାରଣାସୀର କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ତଳମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ନେଇପାରେ ଭୀଷଣ ରୂପ 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ୟଶ 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏସ୍ଆର୍ସି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟଶ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ସମୁଦ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏନେଇ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଯବାନମାନେ ବିମାନ ଯୋଗେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ୟଶ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ମାଡ଼ିଆସି ଆହୁରି ଅସହ୍ୟ କରୁଛି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଛି ଏବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି ଅର୍ଗସ୍ର ମହାପ୍ରଭାବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଘଟଣାରେ 2 କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ 2 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିଲମ୍ବିତ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ଦେବ ନାୟକ ଓ ଡମ୍ପୁରୁ ଗୌଡ଼ ତେବେ ଏନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି
ସେ ଉପର ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ସେ ଭାଇରାଲରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଉ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଯୋଉଟା ସେଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପଇସା ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ କନଫେସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି କାଲି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ। बेआईन क्लीनिंग को सील कला प्रशासन कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी ब्लॉक पंचायत गृह में चलता एक क्लीनिंग को सील कर स्थानीय प्रशासन कोरोना नियम उल्लंघन एवं कौन प्रमाणपत्र न थ बेआईन भाव क्लीनिंग चलता नहीं दारिंगबाड़ी तहसीलदार निकट में अभियोग होता इन्हें तहसीलदार थाना अधिकारी और गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी मिलित भाव क्लीनिंग उपर चढ़ाउ करते सेठार बहु औषध और कागजपत्र जबत करपटे चढ़ाऊ बेले रोगी सेवा करुवा डाक्तर जनक कौन डाक्तरी पाठ पढ़ी नदंतर जमापड़ पश्चिमबंग अंचल पीके समाजपत्र नामक जड़े व्यक्ति उक्त क्लीनिंग रे लोकों को ज्वर थंडा किंबा काश हेले कोविड टेस्ट कराइबा को कहवा परिवर्ते निज क्लीनिंग रे मन इच्छा रोगी को चिकित्सा करुवा अभियोग होइछे। अभियोग को भित्ती करी पुलिस तदंत जारी रखी। ब्लैक फंगस महामारी ने द्वंद्व सृष्टि पर स्पष्टीकरण रखी राज्य स्वास्थ्य विभाग। ब्लैक फंगस को महामारी घोषणा कर स्पष्ट कला स्वास्थ्य विभाग। ब्लैक फंगस महामारी आईन अधीन आसुवा नोटिफाइड डिजीज ब्लैक फंगस को महामारी घोषणा नहीं उपजी द्वंद्व। आज प्रधानमंत्री अर्थात पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 30तम श्राद्ध वार्षिकी ए अवसर में ओडिशा कांग्रेस पक्षर भुवनेश्वर राजीव भवन परिसर में प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण कार्यक्रम में जटणी विधायक सुरेश राउतराय कांग्रेस नेता शिवानंद राय प्रमुख जोगदेपर आज कांग्रेस पक्ष गरीब लोक रंधा खाद्य और मास्क बंटन करिबार कार्यक्रम रही। आज पूर्वतन प्रधानमंत्री भारत बर्षर भारत रत्न राजीव गांधी 30तम श्राद्ध उत्सव आम प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ शिवानंद राय नेतृत्व में आज सका फुलमा अर्पण एवं मास्क बंटन गरीब लोक सांबादिकू जनसाधारण पुलिस समस्त की किसी मिष्टान जल जोग भी बांटु यापर कांग्रेस अफिस् जीव से रोष कर गरीब लोक खाया दवापाई से स्टार्ट करूँ मास्क बांटू जटनी पलू जटन चारि जगार आज मास्क बंटा हाँ 2000 मास्क एवं साबुन बंटा हाँ। समय सरी बुलेटिन को यही रखु विदा दिंतु नमस्कार।